प्रदेश में एक नया महोत्सव क्रिएट किया जा रहा है। जो कल कांग्रेस ने लाइन किए वही हमें सबको लेनी पड़ेगी। राम उत्सव के अलग ही हम राम उत्सव के बाद राम के अंतर परिचर या राम के अंतर मानने वाले। मैं पहले से मुसलमान इस बात को कहते हुए कोई फर्क नहीं रखता, अगर राम के अंतर पर प्रति को सम्मान नजर आएंगे और गांधी जी के मन में है कोई सम्मान इमरान के मन में है। हम सब लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, ये हमारा मानना है। और वासुदेव कुटुंबकम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पूरा विश्व एक परिवार है। पूरी मानव जाति की उत्पत्ति एक ऊर्जा से हुई है, परमात्मा एक, परमात्मा को मानने वाले एक। जब समंदर एक है तो बूंदें अलग अलग कैसे हो गई? तो हम उनके वंशज कैसे नहीं हो गए? दूसरी बात, ये जो सवाल भगवान राम के प्रति उठाया जाता है, ये राम कोई चर्चा का विषय नहीं है। राम जी जो हैं आस्था का विषय हैं, और राम जी आस्था से, जिसके मन में आस्था है उसको ढूंढना है तो राम आपको आपके सीने में मिलेंगे। गुरुवर हरिओम पवार जी ने एक लाइनें कही थी, मुझे आया, राम नहीं नह नारा केवल विश्वास है, राम भौतिकता की नहीं मन की प्यास है, राम नहीं मंदिरों के फेरों में, राम मिले हैं शबरी के झूठे बेरों में, राम मिले हैं सीता की पावनता में, राम मिलेंगे पंचवटी की छाँव में, राम मिलेंगे अंगद वाले पाँव में, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। तो राम को अगर ढूंढना है तो अपने मन में ढूंढ लो, मर्यादा से जियो तो आपको राम खुद मिल जाएंगे। इसके ऊपर इतना चर्चा की विषय की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, बड़े इस्लामिक स्कॉलर रहे हजरत अल्लामा इकबाल, उन्होंने कहा कि राम जो हैं वो इमाम हिंद है। तो जब अल्लामा इकबाल साहब ये कह के गए तो मेरी औकात क्या है? मैं कोई ना इस्लामिक गुरु धर्म गुरु हूँ, ना कोई इस्लामिक स्कॉलर हूँ, ना कोई हिंदू धर्म गुरु हूँ, ना मैं जानता हूँ। मुझे वासुदेव कुटुंबकम का मतलब बता दें क्या है, यही मतलब है। मेरा कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपको आपका दीन मुबारक, जितना आपके मन में राम के प्रति सम्मान है। अगर मुझे लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपको आपका दीन मुबारक, मुझको मेरा दीन मुबारक, अगर मैं आपसे अपने सम्मान की अपेक्षा करता हूं तो मुझे आपका सम्मान करना पड़ेगा।